नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमरजीत है। तो फिर एक बार हाजिर हूँ आपको नई वीडियो लेकर। दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ बाइनरी एडिशन के बारे में। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बाइनरी एडिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टेबल हमने बना रखी है, आप देख रहे होंगे, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर की टेबल बना रखी है। ये बहुत ही इस वीडियो के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप एक बाइनरी आपको तैयार करना है तो सबसे पहले आप डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर को जानना होगा। तो दोस्तों, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोई भी संख्या हो, जब उस संख्या को हम जैसे वन टू थ्री फोर कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम इसको इसका हम बेस 10 मान के लिखते हैं। जैसे इसीलिए हम इसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसका जो बेस होता है वो 10 होता है, और जो बाइनरी नंबर होता है दोस्तों, उसका बेस जो होता है 2 होता है। और बाइनरी नंबर को केवल और केवल हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी को हम 0 और 1 केवल और केवल बाइनरी को 0 और 1 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना कि हम जो है उसको हम 1 2 3 4 5 etc से। तो दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया 0 1, इसका हमने बेस बना दिया 2, तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया। और जो हमने लिखा है 2 3 4, ये हमारा क्या है, इसका जो बेस होगा ये क्या होगा, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, डेसिमल नंबर। और है ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। तो हमने कुछ कुछ चार्ट में बना रखा है, कुछ डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर लिख रखा है। अब देखिए दोस्तों, जैसे 0 डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर 0 ही होता है, 1 का बाइनरी नंबर 1 होगा। अब बाइनरी को 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट करना है, इसलिए डेसिमल नंबर तो 2 3 4 हम लिख सकते हैं, लेकिन अब बाइनरी को देखो कैसे लिखते हैं। 2 को हम क्या लिखेंगे, 1 0। 3 को क्या लिखेंगे हम दोस्तों, 1 1। 4 को क्या लिखेंगे, 1 00। 5 को 1 0 1। 6 को 1 1 0। 7 को 1 1 1। 8 को 1 0 0 0। 9 को लिखते हैं 1 0 0 1। 10 को लिखते हैं दोस्तों 1 0 0। अब दोस्तों, 11 का है 1 0 1 1। 12 का है 1 1 0 0। 13 का है 1 1 0 1। 14 का है 1 1 1 0। और 15 का है बाइनरी नंबर 1 1 1। 16 का है बाइनरी नंबर 1 0 0 0 0। 17 का है 1 0 0 0 1। 18 का है 1 0 0 1 0। 19 का है 1 0 0 1 1। 20 का है 1 0 1 0 0। 21 का 1 0 1 0 1। 22 का है 1 0 1 1 0। 23 का है 1 0 1 1 1। 24 का है 1 1 0 0 0। 25 का दोस्तों 1 1 0 0 1। 26 का है बाइनरी नंबर 1 1 0 1 0। 27 का है 1 1 0 1 1। 28 का है 1 1 1 0 0। 29 का है दोस्तों 1 1 1 0 1। 30 का है 1 1 1 1 0। 31 का होगा दोस्तों 5 टाइम्स 1 1। तो आपके सामने दोस्तों एक एग्जांपल है, इसको ऐड करना है। देखते हो दोस्तों, बाइनरी एडिशन हम कैसे ऐड करते हैं। 0 1, और 0 और 1 को ऐड करते हैं हम सिंपली 1। 1 0 1 1 1 10। तो दोस्तों, इसमें देखो, अब इसमें टेबल में हम खोजेंगे पीछे जाके 1 1 0 का मान जो है कितना है, और 1 0 1 का हम इसको चेक कर सकते हैं इस प्रकार। तो दोस्तों, 1 1 0 का जो वैल्यू है वो 6 है, 1 0 1 की जो वैल्यू है वो 5 है। यदि इसको हम डेसिमल नंबर में ऐड कर रहे हैं तो इसका मान क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। तो दोस्तों, हम देखते हैं बाइनरी में जो 11 है वो भी 1 0 1 1 ही आ रहा है। पीछे आते हैं, जो हम टेबल थी दोस्तों, देखिए
11 का जो वैल्यू है 1011 है, और आपकी यहाँ भी जो वैल्यू आई है 1011। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा, इसका मतलब हमारा एडिशन है सही है। हमारा अगला एग्जांपल है दोस्तों 0101 1111। अब देखो दोस्तों इसको कैसे ऐड करते हैं। वन और वन को जब ऐड करेंगे दोस्तों इसको 1 1 का हो जाएगा 10, 10 का लिखा जाता है केवल 0, तो 1 हमारे पास क्या बचा, कैरी। अब जो 1 हमारे पास कैरी बचा इसको हम कहाँ लिख लेते हैं, इधर। फिर यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 1 10, और फिर जब 10 हो जाएगा 10 का हम क्या लिख लेंगे 0। फिर हमारे पास क्या बचा, 1, 1 को हम कहाँ लिख लेते हैं यहाँ दोस्तों। अब 1 1 इसको हम जोड़ें क्या हो जाएगा 10। अब 10 में फिर क्या आ जा रहा है, कैरी। इस कैरी को हम यहाँ लिख लें, यहाँ क्या बचा 0। अब 0 में 1 फिर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 1 में 1 ऐड करेंगे 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें ये जो हमारी वैल्यू थी इस ये बराबर होती है 5 के, और ये जो हमारी वैल्यू है होती है 15 के बराबर। यदि हम इसको डेसिमल नंबर में ऐड करते हैं तो 15 और 5 मिलके हो जाता है 20। तो अब हम चल के अपने टेबल में खोज लेते हैं, जो 20 हमारी बाइनरी नंबर हमने टेबल में बनाया है वो 1011 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो अब देख दोस्तों हम देखते हैं जो 20 है वो इसमें इसके वैल्यू क्या आई, 10100, और इसमें हमारे एडिशन में क्या आई है 10100। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये हमारा एडिशन ये भी सही है। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इसमें सबसे पहले आपको जो है डेसिमल नंबर में और बाइनरी नंबर को निकालना जान सीखना होगा, उसके बाद ही आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे अगली वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं, तो दोस्तों आगे हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।